उधर नगर परिषद के रिकॉर्ड में रेवाड़ी कैटल फ्री शहर है, लेकिन आए दिन लोग बेसहारा पशुओं के हमलों में या तो घायल हो रहे हैं या अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का एक ही रटराया जवाब है कि सिर्फ प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। रेवाड़ी शहर में बेसहारा पशुओं के कारण लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। लोगों को डर रहता है कि पता नहीं कब बेसहारा पशु उन पर हमला बोलते। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बेसहारा पशु लोगों को लगातार चोटिल कर रहे हैं। ये मामला रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 का है, जहां एक सांड ने कंपनी कर्मचारी पर हमला बोल दिया। वही पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सांड एक व्यक्ति को उठा उठा कर पटक रहा है। पीड़ित व्यक्ति उठकर भागने का लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन सांड उस पर बार बार हमला कर रहा है। वही घटना स्थल पर उपस्थित भीड़ व्यक्ति को बचाने के लिए आगे आती है, तब कहीं जाकर व्यक्ति की जान बच पाती है। वही सांड के हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वही हरियाणा न्यूज ने भी समय समय पर इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। वहीं ये मुद्दा इस बार विधानसभा में भी उठा। रेवाड़ी शहर की बात करें तो सर्कुलर रोड से लेकर गली मोहल्लों में इन बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद के अधिकारी वारे न्यारे भी कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस के तस है। ऐसे ही मेरे द्वारा ज्वाइन किया गया, ज्वाइन करते ही हमने जो प्रक्रिया अडॉप्ट करते हुए पशु पकड़ने का टेंडर जारी किया गया, उसके बाद मेरे द्वारा अभी भी 576 सांड और बैल्स को पकड़ के धारोड़ा गौशाला भिजवाई गई हैं, उनका टैगिंग की गई है। और उसके अलावा मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नगर परिषद रेवाड़ी का काम सांडों को पकड़कर संबंधित गौशालाओं को भिजवाना है। मेरा टेंडर आज भी लगातार कंटिन्यू है और मेरे द्वारा खुद सरकार की हिदायतों अनुसार डीएमसी महोदय को, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को पत्र लिखा गया है। सरकार की हिदायतों अनुसार डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को ही मैकेनिज्म बनाना है कि कैसे इन गायों को रखा जाए। नगर परिषद रेवाड़ी का काम गाय पकड़ना है, रखना उनका, हम पकड़ने को तैयार। वहीं जब नगर परिषद के ईओ अभय यादव से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जब हमारे पास ये समस्या आई उस वक्त हमने पशु पकड़ने का टेंडर जारी किया था। मेरा टेंडर आज भी लगातार जारी है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि इन्हीं समस्याओं के कारण कई लोग आवारा पशुओं का शिकार हो रहे हैं। आखिरकार इस समस्या का समाधान कब निकलेगा? रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।